नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मीट ऑडियो एम्पलीफायर सर्किट। दोस्तों आज की वीडियो में आपको दो पीडीएफ मिलेगी। एक तो मिलेगी आपको बेस ट्रबल बोर्ड की जो कि 12 वोल्ट सिंगल सप्लाई से ऑपरेट होगा, और दूसरी आपको मिल जाएगी एक मैंने डिजाइन किया है, तीन जो आईसी सर्किट है उसको एक साथ बना दिया है ताकि आप इसका यूज करके अगर आप 12 वोल्ट से चाहते हैं कि आपकी 2.1 बन जाए तो आप इस सर्किट का यूज कर सकते हैं दोस्तों, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पहले चलते हैं कि ये जो सर्किट है ये वीडियो रोक वाला का कॉपी है, देख सकते हैं यहाँ पे ये सिंगल सप्लाई 12 वोल्ट से ऑपरेट होगा और इसमें थ्री बैंड आपको मिल जाएगी, यानी कि बेस ट्रबल और मिड है इसमें। तो देख सकते हैं कुछ इस तरीके से ये मैंने डिज़ाइन कर दिया है और ये वीडियो रोक वाला को क्रेडिट जाएगा। तो वीडियो रोक वाला की ही सर्किट है ये जो कि 12 वोल्ट से ऑपरेट होगी। तो इसकी 3D व्यू मैं दिखाता हूँ आपको, ये इसकी 3D व्यू है और कंपोनेंट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी स्टैंडर्ड साइज है इसकी, और जैसे कि पोटेंशियोमीटर नज़दीक होता है उस तरह का नहीं है। आप चाहें तो किसी कैबिनेट में इसकी टाइप की कैबिनेट बना सकते हैं और काफ़ी आपको अच्छा इसका रिस्पांस है। और ये 12 वोल्ट से चल जाएगा, तो आप अगर 12 वोल्ट से चलाना चाहते हैं, जो भी कई सारे मेरे व्यूअर्स है जो 12 वोल्ट अभी भी 12 वोल्ट की ही ऑडियो सिस्टम यूज़ करते हैं 12 सिग्नल सप्लाई से चलने वाली, तो उनके लिए ये सर्किट है। और अगर आप इसको चाहते हैं 12 वोल्ट से ऊपर चलाने के लिए तो आप इसमें रेगुलेटर का यूज़ कर सकते हैं, रेगुलेटर के थ्रू आप रेगुलेट करके इसमें सप्लाई दे सकते हैं, इनपुट में दे सकते हैं। तो इसकी जो आउटपुट और इनपुट देख लीजिए, यहाँ पे इसकी आउटपुट है, इनपुट है यहाँ पे, और 12 वोल्ट के लिए यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है। तो 3D व्यू में आपने देख ही लिया कि कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है, कनेक्टर मैं दूसरी भी लगा सकता हूँ यहाँ पे, तो जो डिफ़ॉल्ट कनेक्टर यहाँ पे लगा हुआ है वो भी मैंने छोड़ दिया है। तो इसकी PDF आपको मिल जाएगी, और PDF के लिए आपको सबसे पहले तो सब्सक्राइब करना होगा चैनल को, ताकि मैं देख पाऊँगा कि आप मेरे सब्सक्राइबर डाटाबेस में है तो ही मैं आपको एक्सेस दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और दूसरी सर्किट मैं आपको दिखाती है, आप इसका यूज करके आप एक 2.1 बना सकते हैं, 2.1 बना सकते हैं इस सर्किट का यूज़ करके, जो कि TDF 2050 ये भी सिंगल सप्लाई से ऑपरेट होगा, 12 वोल्ट से चल जाएगा ये। और जैसे कि देख पा रहे हैं आप दोस्तों, ये 12 वोल्ट से चलने वाली सर्किट है, और यहाँ पे जो सप्लाई देना चाहेंगे आप दोस्तों, अगर सप्लाई इसकी आप सेंटर में देते हैं यहाँ पे, ये इसकी ये जो देख सकते हैं ये प्लस की वायर यहाँ पे जुटेगी, ये सारी इसकी जो ट्रेस है ये प्लस की है। तो आप अगर इसको सप्लाई सेंटर में देंगे तो इसकी जो पावर है वो इक्वल तरीके से दोनों ही सर्किट को मिलेगी, और यहाँ पे देते हैं तो ही मिल जाएगी। अगर इसमें कॉपर की आप जो है टिनिंग कर देते हैं इस ट्रैक में, ठीक है दोस्तों, और ना करना चाहें तो आप यहाँ पे सेंटर पे दे सकते हैं, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस। ठीक है दोस्तों, इसकी 3D व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, तो 3D व्यू कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं। तो आप इसका यूज करके दो सेटेलाइट के लिए यूज कर सकते हैं और एक सबवूफर के लिए यूज कर सकते हैं। ये फुल्ली वर्किंग है, दोनों ही सर्किट मैं आपको दिखा रहा हूँ, दोनों ही सर्किट फुल्ली वर्किंग है और बिना डाउट के आप इसको बना सकते हैं। मैंने चेक किया हुआ है, टेस्ट किया हुआ है, काफ़ी अच्छी वर्किंग है दोनों ही सर्किट की, देख सकते हैं कुछ इस तरीके यहाँ पे कनेक्टर लगा हुआ है जो कि आपकी पावर सप्लाई के लिए है। ठीक है दोस्तों, और ग्राउंड इन सब की लिखी हुई है, तो ग्राउंड और इन में आप एक एक चैनल दे सकते हैं, लेफ्ट राइट और सब ऊपर के लिए। ठीक है दोस्तों, और आउटपुट यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राउंड आउट, वहाँ से आप आउट ले सकते हैं। तो इसकी भी एक्सेस जो है आपको मिलेगी अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तभी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले तो आपको सब्सक्राइब करना होगा, ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट है दोस्तों, अभी मैं आपके लिए बहुत सारी प्रोजेक्ट लेके आता रहूँगा जो कि अच्छी क्वालिटी की होगी और हाई परफॉर्मेंस सर्किट। अभी मेरे पास कई सारी टेस्टिंग के लिए है, तो आप अगर नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, इसकी PDF जो है, PDF पे मैं साइज़ लिखने की ट्राई करूँगा, काफ़ी समय लगता है दोस्तों PDF एडिटिंग करने में, तो आप समझ सकते हैं मेहनत का जो है मुझे उस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है। तो आप चाहते हैं आगे मैं आपके लिए और भी अच्छी सर्किट ले कि आता रहूं, तो आप चैनल को ज़रूर से सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और जहाँ तक हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जो इस तरह के DIY में इंटरेस्टेड हैं तो आप शेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय माता दी।